आपने देखा था कि कद्दू पहलवान और गुल्ली घर के अंदर बिना कुछ सोचे समझे आ जाते हैं, लेकिन तभी गुल्ली को आग जलती हुई दिखाई देती है और वो कद्दू पहलवान को रुककर आग को देखने लगता है और वो सोचने लगता है कि यह आग काफी किसने जलाई होगी। लेकिन तभी ये क्या हुआ, लगता है कोई चीज नीचे गिरी है या फिर कोई ऊपर से नीचे कूदा है। गुल्ली यही सोचकर परेशान हो रहा है और पीछे देख रहा होता है, लेकिन तभी गुल्ली बोलता है मुझे लगता है कि नीचे कोई बेसमेंट बना हुआ है। और कद्दू पहलवान भी बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है नीचे कोई तहखाना है, चलो चल कर देखते हैं। इसके बाद ये दोनों उस तहखाने की तरफ जाने लगते हैं। तहखाने के पास आते ही कद्दू पहलवान अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और गुल्ली बाहर ही खड़ा हो जाता है। इसके बाद कद्दू पहलवान अंदर जाने लगता है और गुल्ली उन्हें देख रहा होता है, लेकिन कद्दू पहलवान को अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी गुल्ली पूछता है क्या हुआ अंकल, आपको सामान मिला या फिर क्या चीज़ है, कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, अगर दे रही तो मुझे जल्दी से बताइए। लेकिन कद्दू पहलवान को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और फिर वो बोलता है गुल्ली मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अंदर काफ़ी अंधेरा है, तुम जरा टॉर्च वॉर्च रखे हो तो जरा सा दिखाओ, क्योंकि मेरा फोन तो मेरे घर पर ही है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है तो जल्दी से मुझे दिखाओ। और ये सुनते ही गुल्ली बोलता है हाँ अंकल मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैं अभी दिखाता हूँ। इसके बाद गुल्ली अपना मोबाइल फोन निकालता है, टॉर्च ऑन करता है और अंदर जाने लगता है। इसके बाद गुल्ली कहता है चलिए अंकल आप देखिए, और जैसे ही अंकल अंदर जाते हैं सामने उनकी चुराई होती है और उन पर हमला कर देती है। इसके बाद गुल्ली ये देखते ही डर के मारे भाग जाता है और वो वहाँ से दम दबा के निकल लेता है और अंकल वहीं पर फंसे रह जाते हैं। गुल्ली यहाँ से भागता हुआ ऊपर आ चुका है, वो यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि अब जान चुका है वो ये हवेली में सच में भूत रहते हैं। लेकिन गुल्ली इस बात से बेखबर है कि वो चुड़ैल भी उसके पीछे ही आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने उसके घर का गेट तोड़ दिया है जिसकी वजह से वो अब आजाद हो चुकी है और अब वो कहीं भी जा सकती है। और इधर गुल्ली भी जीप के पास जा रहा होता है, थोड़ी इधर वो जीप के पास पहुँच जाता है, जीप के पास पहुँचता ही गुल्ली जीप में बैठता है और उसे स्टार्ट करता है और उसको घुमा कर वहाँ से निकल जाता है। गुल्ली को लगता है कि अब वो बच चुका है और अब वो सीधे गुल्ली के पास जाएगा और बाबा को बुलाकर यहाँ पर आएगा और फिर सौन और अंकल को बचा कर यहाँ से ले जाएगा। लेकिन गुल्ली को शायद ये नहीं पता है कि चुड़ैल भी उसका पीछा कर रही है और अब वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और इधर चुड़ैल भी रोड के पास आ चुकी है, रोड पर आते ही वो देखती है कि गुल्ली यहाँ से गायब है और वो जीप लेकर भाग रहा है। ये देखते ही चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो एक बहुत ही खौफनाक तरीके से दौड़कर गुल्ली के पास आने लगती है और बहुत ही तेजी से गुल्ली के पास जाती है। और तभी तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली का, क्या गुल्ली यहाँ से बचकर अभी भी भाग पाएगा या फिर वो चुड़ैल उसे भी मार देगी, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि संडे सुबह 10 बजे आएगा। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।